दोस्तों इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है दैट इंडिया और वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू राइज और इसके कारण ही स्टॉक मार्केट में एक मेहम आप देख रहे हैं। वन ऑब्वियस क्वेश्चन कम्स अप कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि इंटरेस्ट रेट के राइज होने से बेनिफिट करेगा। तो ऐसे ही एक स्टॉक के साथ में हाजिर हूं जो कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में बेनिफिट करेगा एंड ये एक यूनिक पोजीशन में है जिसका आईपीओ अभी से एक साल पहले आया था। ये अभी अपने आईपीओ प्राइस से -5-6% कम प्राइस पे अवेलेबल है। सो प्राइसिंग वाइज इट लुक्स अट्रैक्टिव। हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके वैल्यूएशन के बारे में भी, साथ ही बहुत सारी चीजें इस कंपनी के बारे में यूनिक है, जैसे कि ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो शायद नेक्स्ट डेकेड में ₹1 इनकम टैक्स भी ना दे। सो इनकम टैक्स लाइबिलिटी उस पर नहीं बनने वाली है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। साथ ही ये कंपनी लीजिंग बिजनेस में है बट ये लीजिंग पे GST नहीं पे करती। ये कंपनी एक फाइनेंसिंग कंपनी है एंड गवर्न्ड बाय RBI बट इसको प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एंड सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का परसेंटेज लेस देन 0 है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए नंबर इज जस्ट 0। आई थिंक यू माइट बी इंटरेस्टेड नाउ कि ऐसा कौन सा बैंक या NBFC है जो कि एनपीए जिसके 0 है, जो GST नहीं दे रहा है, जिसे इनकम टैक्स में भी नेक्स्ट 10 ईयर तक भी काइंड ऑफ रीबेट है और जिसका जो काउंटर पार्टी है वो सॉवरेन रेटेड है जो कि AAA रेटेड काउंटर पार्टी के साथ। सो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC। दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मेन क्लाइंट इकलौता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट इज इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। दिस इज द मेन बोरोअर जिसपे IRFC हैव टेकन एक्सपोजर ऑफ अप टू 98%। दोस्तों वो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से पर मिलियन पॉपुलेशन जो रूट की रिक्वायरमेंट होता है, इंडिया इज नो वेयर क्लोजर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड। जहां जापान, रशिया, US जैसे कंट्रीज में रूट पर किलोमीटर पॉपुलेशन आर इन एक्सेस ऑफ 100, वही इंडिया में दिस इज लेस देन 50 किलोमीटर पर मिलियन पॉपुलेशन। सो इंडियन रेलवे हैज टू एक्सपैंड, इनको एक्सपेंशन करना ही करना है, अदरवाइज दे विल be defeated from road network। और इंडियन रेलवे को रेलवे नेटवर्क में एक्सपेंशन के लिए मैंडेट भी मिला हुआ है, दे आर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। सो वंस दे डिसाइडेड दैट उन्हें रूट पर किलोमीटर इंक्रीज करना है देन दे नीड फंडिंग एंड फॉर दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन IRFC। सो इनकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो हर साल इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे राइट्स टू IRFC दैट दिस ईयर please arrange for roughly like 50,000-60,000 crores of rupees for Indian Railway so that they can procure rolling stock or any other project asset. So rolling stock का मतलब है जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उसको IRFC प्रोक्योर करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे और उसे लीज बैक कर देती है एंड दे अर्न लीजिंग इनकम आउट ऑफ इट। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट एसेट्स होते हैं जैसे जो स्टेशन बिल्ड करने में जो एसेट बिल्ड होते हैं उनमें जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक प्रोजेक्ट लोन की तरह वो लेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। सो लाइकवाइज IRFC इज द बैकबोन ऑफ इंडियन रेलवे फॉर एक्सपेंशन। सो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवर द ईयर आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल पहले IRFC वॉज जस्ट अप्लाइंग टू 36% ऑफ दियर फंडिंग रिक्वायरमेंट। नाउ दिस रेशियो हैज डबल्ड, रफली 2/3 ऑफ इंडियन रेलवे की जो फाइनेंसिंग नीड है इज गेटिंग केटर्ड बाय IRFC। अब अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें पिछले 4-5 सालों में, तो आपके सामने मैं चार्ट पे प्लॉट कर रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में इंडियन रेलवे हैज आस्क्ड फॉर रफली 2.5 लाख ऑफ फंडिंग फ्रॉम IRFC। टॉकिंग अबाउट 2023, 66,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने IRFC को दी है और लाइकवाइज पिछले 2-3 सालों में भी मोर देन 60,000 करोड़ IRFC से इतनी की डिस्पर्समेंट इन्होंने ली है। सो IRFC इज इन सच ए स्वीट स्पॉट जहां पे इनकी टॉप लाइन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड की वाई आई एम टॉकिंग अबाउट IRFC बिकॉज दे हैव अ वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल। सो इनका बिजनेस मॉडल कॉस्ट प्लस बेसिस पे, कॉस्ट प्लस यानी कि जब इंडियन रेलवे उन्हें बोलता है कि फॉर अ ईयर आई रिक्वायर 60,000 करोड़, सो इस रिक्वायरमेंट को लेकर IRFC गोज इन टू मार्केट। देर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सेस, लाइक कभी वो बॉन्ड रेज करते हैं, कभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, कभी वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। सो तो उनका एम रहता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को मिनिमाइज करना बिकॉज इंडियन रेलवे वॉन्ट्स लीस्ट कॉस्ट। सो जब तक वेटेड एवरेज कॉस्ट लीस्ट होगा उसके ऊपर 40 basis points इन केस ऑफ रोलिंग स्टॉक दे गेट पेड एंड इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एसेट्स दे गेट पेड 35 basis points अबव
द एवरेज कॉस्ट ऑफ बॉरो। बट ये जो 40 बेसिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो हर साल फिक्स होता है, वो हर साल निगोशिएट होता है बिटवीन दीज टू कंपनीज, बिटवीन दीज टू पार्टीज। सो 2017 के पहले ये परसेंटेज 50 बिप्स था, जो 2018 में गवर्नमेंट ने घटा करके 30 बिप्स कर दिया था। बट 2018-19 ऑनवर्ड्स दिस रेशियो इज फिक्स एट 40 बेसिस पॉइंट। सो ये एक नेगोशिएबल नंबर है। सो जहां ये एक फिक्स मार्जिन बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है, साथ ही हमें ये देखना होगा कि देयर इज नो एश्योरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कि ये 40 बेसिस पॉइंट ही रहेगा फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स और नेक्स्ट 5 इयर्स, इट वे चेंज इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। सो ये एक रिस्क है जो इन्वेस्टर को जानना चाहिए बिफोर यू इंटर इन टू दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, बिकॉज दिस 40 बेसिस पॉइंट विल डिटरमाइन द मार्जिन फॉर दिस कंपनी। सो बिजनेस मॉडल जो इनका जो यूनिक है वो रोलिंग स्टॉक के केस में वो लीजिंग मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि वो लीज आउट करते हैं और जहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट का वो अर्न करते हैं, और इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एसेट गिव प्रोजेक्ट लोन टू द कंपनीज जहाँ पे वो 35 बेसिस पॉइंट का मार्जिन अर्न करते हैं। हालांकि मार्जिन घटने के भी चांसेस हैं, बट IRFC इज इक्विटी फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज अ काउंटर पार्टी एज वेल एज द पेरेंट। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल नॉट जनरली गो अगेंस्ट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि अदरवाइज अगर 30 बिप्स कर देते हैं और ये लॉस मेकिंग हो जाते हैं देन दे हैव टू ब्रिंग इन इक्विटी फ्रॉम द टॉप। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज टू टेक केयर ऑफ दिस एंटिटी, दैट्स वाई 40 बेसिस पॉइंट इज नॉट समथिंग विच दे विल नॉट ऑनर देम, दे विल आई थिंक ये 40 बेसिस पॉइंट्स कैन रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज पिछले 18 साल में बस एक साल का इंस्टेंस है जब ये 30 बेसिस पॉइंट हुआ है, बट रेस्ट ऑफ 17 इयर्स इट हैज बीन इन एक्सेस ऑफ 40 बेसिस पॉइंट। नाउ वी अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली चीज है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके बेसिस पे वो रेलवे मिनिस्ट्री को लोन देते हैं, दैट हैज टू बी कॉम्पिटेटिव। अदरवाइज अगर ये कॉम्पिटेटिव रेट पे लोन अरेंज नहीं कर पाते हैं देन इंडियन रेलवे हैज ऑप्शन टू गो टू SBI और LIC और एनीबडी जहां से वो फंडिंग रेज कर सकते हैं, या इंटरनेशनल फंड अरेंजर भी हैं उनके पास भी वो जा सकते हैं। सो द कॉम्पिटेटिव रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन सी दैट इट हैज होवर्ड अराउंड बिटवीन 8.5 to 6.5। पिछले साल में भी इंटरेस्ट रेट का पे थोड़ा सा प्रेशर रहा, बट इन्होंने अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट को 10 बेसिस पॉइंट से कम किया है FY22 में। दैट शोकेस दैट दे आर एबल टू मैनेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट गिव्स देम अ यूनिक स्ट्रेंथ, बिकॉज अगर वो कॉम्पिटेटिव रेट पे ये कॉस्ट कम रखेंगे देन डेफिनेटली इंडियन रेलवे विल कम टू देम एंड their business model will sustain for long. But जहां वो एक तरफ इंडियन रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, but at the same time they are a listed company. 86% stake इंडियन रेलवे का है, but 14% stake, 15% stake belongs to public. उन्हें shareholders को भी return देना होता है. So for that, if we look at their return on equity profile, then they are doing pretty decent for last couple of years. इस साल में तो उन्होंने 15.26% का ROE दिया है, which is a good ROE in current market. और ये ROE अच्छा होने का रीजन ये है कि इनकी NPA जीरो है। NPA जीरो होने के कारण इनको प्रोविजनिंग और करने की जरूरत नहीं होती। इनका कॉस्ट जो है वो लिमिटेड है, कैप्ड है एट दियर ऑपरेटिंग लेवल, और ऑपरेटिंग लेवल पे भी ये सिर्फ 40 एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 10-12 करोड़ के आसपास ही है। तो इतनी बड़ी लोन बुक होकर के भी ये बहुत कम एम्प्लॉय के साथ ऑपरेट करते हैं, सो दे आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मॉडल। So that gives them a unique advantage, unique position in terms of an NBFC. दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या change हुआ है, what is the trigger that I'm talking about IRFC. So interest rate की rise होने से आप इस company को एक फायदा होने वाला है। इस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं। Slide पे हम we spend little more time. इस company की जो leverage है यानी कि debt by equity वो 9:1 है। सो सपोज ये कंपनी 10 रुपए का लोन देती है तो उसमें से 9 रुपए मार्केट का होता है और 1 रुपया इनका अपना होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। उनका एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है वो 6.5 रुपीज मान लेते हैं, पिछले साल रहा है, तो 6.5 प्लस 40 बेसिस पॉइंट उनका मार्जिन है, तो रफली 69 पैसे उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आती है फॉर अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रुपीज एज इक्विटी। बट 69 पैसे तो ऑपरेटिंग इनकम हो गई। अब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये रफली 25% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं। So 29 पैसा into 25% that gives me roughly 17% of ROE, जो कि इस साल का ROE भी 15.6% है, जो कि roughly 17% के करीब है। So मैं एक back envelope calculation कर रहा हूँ, which is in close ranges to the actual number.
सो इस साल इन्होंने इस इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट पे 17% के रफली आरओई जनरेट कर किया है. सो लेट्स से कि एक साल बाद इंटरेस्ट रेट गोज अप और वेटेड एवरेज कॉस्ट इनका बढ़ जाता है बाई 1%. इन दैट केस अगर हम सिमिलरली आरओई कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट कॉस्ट जब पास थ्रू अगर इनका कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट 7.5% हो जाता है, देन देयर ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज टू 79 पैसा अगेंस्ट 1 rupees ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट. अब उस 79 पैसे में से 25% इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दैट मेक्स देम एन एलिजिबल फॉर 20% ऑफ आरओई. सो बाय राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट दे विल get access to a higher ROE. I have worked in a bank. Let me tell you that 16% ROE is a holy grail for the bank. 16% ROE agar kisi bank ne NBFC ne generate karke de diya, then their investor will remain happy for long. So abhi ye roughly 15-16% ke range mein hai, aur just by sheer rise in interest rate it is stated to grow into the bracket of 20%, which is a very important point. Agar interest rate rise karta hai to inki ROE ko kick milta hai. So without doing anything, they will gain valuation in terms of valuation. So अभी हम अगर valuation की बात करें तो ये अभी 0.7 of their book value पे trade कर रहे हैं. 70% is the their price to book value. जब इनका top line grow करेगा, इनकी profitability grow करेगी, ये interest rate rise होगा तो जो ROE में kicker आएगा उसके basis पे I can assume that over next 2-3 years they will generate enough surplus of प्रॉफिट, मार्केट बीटिंग आरओई भी होगा और मार्केट बीटिंग एनपीए भी होगा. सो ये सारी चीजें जो है वो कैंसल आउट कर देंगी इनकी नेगेटिव्स इन टर्म्स ऑफ पीएसयू है तो इनको प्राइस टू बुक थोड़ा कम मिला हुआ है, बट एसबीआई का प्राइस टू बुक इज 1.5. सो आई डोंट सी एनी रीजन कि इनकी प्राइस टू बुक लेस देन 1 होनी चाहिए. सो इनकी फेयर मार्केट प्राइस वैल्यू जो है वो प्राइस टू बुक जो है वो 1 के आसपास होनी चाहिए. सो अभी ये 70% पे है और 100 तक जाना है, तो रफली 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे इस ट्रेड में अभी दिख रहा है. तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप एंट्री लेते हैं और ये फेयर वैल्यू पे जाता है तो 40% जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस स्टॉक में मिल जाती है. सो ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होगा. आई हैव नॉट येट इन्वेस्टेड इन टू दिस स्टॉक, बट ये अभी अभी मेरे रडार पे आया है. सो मैं इसमें अभी और थोड़ा सा रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, एंड आई थिंक आई विल इन्वेस्ट बिग इनटू इट बिकॉज दिस इज वेरी सेफ गिवन इन दिस करंट सिनेरियो जहां पे कि आपके स्टॉक्स बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं. इस कंडीशन में ये स्टॉक एक बहुत ही सेफ स्टॉक है, और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है बिकॉज ये पीएसयू स्टॉक्स है, और पीएसयू में एक रूल चलता है जो कि डीपम बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट मिनिस्ट्री जो है वो DIPAM के नाम से जानी जाती है. उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है दैट 30% ऑफ प्रॉफिट और 5% ऑफ नेटवर्थ, इन दोनों में से जो लीस्ट है दैट हैज टू बी पेड आउट बाय अ पीएसयू टू इट्स शेयर होल्डर्स बिकॉज मेजोरिटी शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट ही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो बट साथ में हम लोग अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर की तरह अगर इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें इस स्टॉक में 6-5% का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है. So 5-6% dividend yield is a very good proposition in this market. आपको 6% का fixed return मिल रहा है, साथ ही valuation kicker भी मिल रहा है जो कि interest rate rising से आपको मिलेगा. So even though street doesn't appreciate this stock for a 1 year, but you will be gaining 6-6% of dividend yield as well as little bit of valuation kicker because of market में liquidity आएगी तो. सो ये एक बहुत ही सेफ बेट है. आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट इट प्लीज आस्क मी, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मेनी पीपल कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ.